नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीके राज ब्लॉग में। दोस्तों आज हम हरियाणा के एक गांव में आए हुए हैं और हमारे साथ में सर हैं, तो उनसे हम सारे डिटेल लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सभी भाइयों को। नमस्कार सर, परिचय दे दिए सर आपका। मेरा नाम गुरदीप गुलिया है, गांव हरियावास है, जिला है, डिस्ट्रिक्ट है जो भिवानी और हरियाणा स्टेट। सर आपके जो फार्म है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सर आपका जो कितने गोट का है सर अपने पास? अपने फार्म की कैपेसिटी तो वैसे 4000 गोट्स की है, अभी अपने पास फिलहाल 250 प्लस है। तो पूरी हरियाणा में या तो मतलब इस कैपेसिटी का शायद ही होगा सर मेरे हिसाब से। हाँ शायद नहीं है। ओके, फीड का क्या बात कर रहे थे सर अभी, फीड की, तो फीड में आप क्या आपका शेड्यूल रहता है इसके अंदर? जैसे मॉर्निंग में सुबह बकरियां उठती हैं तो सुबह 6-7 बजे उनको सूखा चारा, सूखे चारे में क्या, लौंग पत्ती, हरी पत्ती और मूंगफली सर्दियों में, गर्मियों में हाँ मूंगफली का भूसा, जो चारे से ही था वो या क्या? हाँ वो मूंगफली भी उसमें काफ़ी मात्रा में होती है और सूखा चारा ही होता है वो, ठीक है। और अपना ग्वार की फली, ग्वार का न्यार बोलते हैं उसको हमारे इधर, ग्वार का भूसा, भूसा भी बोलते हैं, फलकट, फलकट हाँ वो डालते हैं, दूध वूध निकाल के बच्चों को दूध वूध पिला के उसके बाद पानी, पानी में फीड देते हैं इनको। पानी में अभी देखा सर काफ़ी अच्छे चाव से ये बकरियां खा रही थी, जैसे गर्दन पूरी झुक मतलब अंदर डाल के खा रही थी, तो उसमें क्या मिलाते हैं सर ये? उसमें 3-4 प्रकार का अनाज होता है जिसमें बाजरा, जौ, चना, गेहूं, मक्का और नमक भी होते हैं, काला सफ़ेद नमक भी है उसमें और हल्दी भी, तो ये चीज़ें उनको मिलाते हैं ताकि उनका आहार पूरा रहे। और चाव से तो इसलिए खाती हैं क्योंकि वो अनाज हो गया इसके अंदर, पानी भी अच्छा पी लेती हैं तो बकरी गर्मियों के दिनों में अच्छा पानी पी पाए। मिनरल मिक्सर भी मिलाते हैं? हाँ मिनरल मिक्सर भी डालते हैं और लिवर टोनिक भी देते हैं, कैल्शियम भी देते हैं, काफ़ी चीज़ें देते हैं। उसके बाद और दो पैर आराम करती हैं बकरियाँ, शाम को फिर बकरियां अपना आप देख पा रहे हैं इसमें घूमने के लिए छोड़ दी जाती हैं। हाँ हर अलग अलग जो खाने की बकरी हैं, बाड़े की बकरी हैं, वो अलग अलग निकाल दी जाती हैं आधा आधा घंटे के लिए, तो अपना चर के वापस चली जाती हैं। तो हाँ, ये आपने क्या, ये एक नंबर को दिख रहा है, पालक, पालक है और पालक है, बाजरा है। अच्छा ये मिक्स में है सारा? हाँ हाँ बाजरा है, बाजर है, तो ये चारा मिक्स है। अभी सुपर नेपियर और लगा रहा हूँ मैं इनके लिए। अच्छा। और ढैंचा बोलते हैं जिसको खाद के रूप में यूज़ करते हैं हम, हरी खाद बोलते हैं। ढैंचे को भी बहुत चाव से खाती है ये, इधर पीछे वो उधर ढैंचा लगा हुआ है, उधर भी ढैंचा लगा हुआ है। अच्छा। तो इनके लिए 3-4 एकड़ में ढैंचा लगाया हुआ है और 2 एकड़ में पालक लगा रखी है, 1.5 एकड़ में बाजर बो रखी है और 2 एकड़ में इनके लिए सुपर नेपियर और लगाऊँगा अभी बरसात के सीज़न में, तो चारे की व्यवस्था इनके लिए पूरे साल के लिए हो जाएगी और सुपर ने फिर तो 4-5 साल चलती है अच्छे से। तो 20 बकरी लगभग के लिए कितना खेत होना चाहिए? 20 बकरी के लिए 1 एकड़ बहुत है। 1 एकड़ बहुत है? बहुत है। अच्छा। 1 एकड़ में आप सुपर ने फिर लगा दिए, 20 बकरी की जो चारे की कॉस्ट है, खाने की कॉस्ट है जो, वो घट जाएगी। एक रहता है कि सर जैसे बकरियां अपन बाहर से लेके आते हैं तो उसका फीड उसके जो वातावरण होता है वहाँ का, जो स्थानीय होता है जहाँ फीड उपलब्ध होता है उसके वो स्वभाव रहती है मतलब खाने के जी। और अगर अपन दूसरी जगह लेके जाए तो कैसे एडजस्ट किया जाए उन बकरियों का फीड को? अगर हम खाने को एकदम बदलाव में लेके आएंगे तो बकरियाँ उसको सह नहीं पाएंगी, बीमार पड़ जाएंगी। तो जहाँ से भी हम बकरियाँ लेके आएँ उस एरिए का जो चारे के ऊपर आश्रित हैं उस चारे को ले आना चाहिए कुछ मात्रा में, ताकि आप अपने एरिए के चारे के साथ उसको एडजस्ट करें धीरे धीरे करके, तो उस चारे की मदद ले सकें। और 50% आप उस चारे को ले लें, 50% अपने एरिए के चारे को ले लें, धीरे धीरे बकरियाँ उसका हैबिचुअल हो जाएंगी और खाने पर आ जाएंगी, तो उनको बकरी को तकलीफ़ नहीं होगी। एक ये आता है कि मतलब कभी शिकायत के मतलब बरसात के दिनों में जो हरा चारा नुकसानदेह है या कुछ ऐसा सिस्टम?
नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। हरा चारा ज़्यादा अगर बरसात में खुले में अगर देवे तो? देखो गीला चारा हो गया, अब उस पर पानी की बूंदें लगी हुई हैं, वो अगर बकरी खाएगी तो उसके लिए हानिकारक है। बरसात के अंदर ही कुछ जीव जंतु ज़्यादा पैदा हो जाते हैं उसमें, उसमें अगर बकरी खाएगी तो उसके लिए नुकसानदेह है। अगर बरसात हो रखी है उसके बाद धूप निकलाई है और हवा चल रही है और चारा सूख गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बाकी गीला चारा, गीला चारा बकरी के लिए हानिकारक रहेगा, वो चाहे पानी से वैसे हो रखा हो उसके खाने के उसमें या बरसात की वजह से हो रखा हो, तो उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी। टीकाकरण में आप क्या रखते हैं उसके अंदर? टीकाकरण देखो, तीन वैक्सीन तो मेन है, PPR, ET और FMD, ये तो समय समय पे आपको करनी चाहिए। बाकी जो नॉर्मल खांसी जुकाम या बुखार की बीमारियां होती हैं उनकी आप दवाई अपने पास रखें, वो अपने देते रहें तो उनसे आराम हो जाता है। और डॉक्टर के ऊपर ज़्यादा आश्रित ना रहें, क्योंकि आपकी बकरी बीमार है और आप डॉक्टर के इंतज़ार में रहेंगे तो वो गलत रहेगा, वो आप फिर उसको रिकवर करा नहीं पाएंगे। तो आपका कुछ मेडिसिंस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप उसको फर्स्ट एड दे सकें। तो एक फीड सप्लीमेंट क्या ज़रूरी होता है या जैसे ये नेचुरल जो है वो? नहीं, फीड सप्लीमेंट भी ज़रूरी है, समय के साथ जब खाना बदलता है या और चीज़ें बदलती हैं तो मिनरल मिक्सचर या लीवर टॉनिक, जैसे मैं हेस्टर कंपनी का यूज़ कर रहा हूँ, प्रोटीन सी या मिनरल मिक्सचर हो गए या क्लोसेंटल हो गए, इनकी जो डीवार्मिंग की दवाई है इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट है। तो अच्छा, डीवार्मिंग की जैसे बात है तो कितने टाइम में करते हैं और किस हिसाब से करते हैं? मैं 2 महीने के ऊपर डीवार्मिंग करता हूँ। हर 2 महीने में? हाँ जी, और जो बच्चा पैदा हो गया उसके 15 दिन बाद उसकी डीवार्मिंग कर देता हूँ। अच्छा, 15 दिन में जो बच्चा हो गया उसमें डीवार्मिंग? हाँ, उसके बाद वो उसके लिए ज़रूरी होता है कि उसकी डीवार्मिंग की जाए ताकि वो स्वस्थ रहे, क्योंकि चारे में थोड़ी बहुत मिट्टी जाए बना रहती नहीं, खूब इसको छान के और साफ़ करके डाला जाता है लेकिन फिर भी मिट्टी चली जाती है। और जो स्टॉल फीडिंग पे जानवर रहते हैं उनमें कीड़ों की शिकायत थोड़ी ही ज़्यादा रहती है, तो उनको समय समय पे अगर हम डीवार्म करते रहें तो वो बढ़िया रहे। एक चीज़ ये जानना चाह रहा हूँ कि सर, जो ब्रीडर आपके पास इसी जो ब्रीड के अवेलेबल हो जाते हैं क्या सर? हाँ, मेरे पास बच्चे हैं, अभी तैयार हो रहे हैं, कोई 6 महीने का है, कोई 8 महीने का है, कोई 11 महीने का है, और ब्रीडर मेरा आपने देखा ही है, तो वो बीटल का ब्लैक बीटल है, तो उसके बच्चे हैं वो, तो ब्रीडर तो मिल जाते हैं अपने पास, हो जाएंगे। ब्रीड के मेरे पास अलग अलग बकरियाँ हैं, जैसे मेरे पास बर्बरी है, सिरोही है, बीटल है, और जैसे सिरोही में 2-3 उसके सब्सिडरी ब्रीड हैं, अजमेरा है, नागौरी है, मेरे पास गुजरी तो है नहीं, सिरोही की सब्सिडरी जो ब्रीड है, बाकी नागौरी और अजमेरा है, तो ये मेरे पास ब्रीड हैं और इन सब के मेरे पास ब्रीडर हैं। अच्छा, ब्रीडर भी हैं? हाँ जी, हाँ। तो सर, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।